हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अच्छा, आप लोगों ने जो हमने 1, 2 और ज्योमेट्री के एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, 3 चैप्टर्स हो गए फिनिश। और उसके ऊपर मैंने आप लोगों को वर्कशीट भी भेजी है, तो उसको भी आप प्रैक्टिस कर लेना और टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ साथ कर लेना। नाउ वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स टेक्स्ट बुक में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 टेक्स्ट बुक का। वो आप लोगों को टेक्स्ट बुक का आज से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स यानी ट्राइंगल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ट्राइंगल क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे ट्राइंगल का नाम ही आप समझ, ट्राई एंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, उसमें सबसे पहले ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल मतलब ट्राई मतलब थ्री, एंगल मनी जिसमें थ्री एंगल्स हों, थ्री साइड्स हों एंड थ्री वर्टेक्स, 1, 2, 3, थ्री वर्टेक्स, थ्री एंगल, थ्री साइड एंड थ्री वर्टिसेस। और ये जो फिगर है, क्लोज फिगर, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। पेरीमीटर मतलब इसकी बाउंड्री, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सम ऑफ थ्री साइड इज पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर मतलब पेरी मतलब बाउंड्री, मीटर मतलब मेजरमेंट, बाउंड्री का मेजरमेंट, बाउंड्री मेजरमेंट। पेरीमीटर सम ऑफ थ्री साइड्स, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखो, ये तो आपने ही है। फिर है ट्राइंगल इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, क्या जो ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, जैसे पी पॉइंट इंटीरियर, Q पॉइंट इंटीरियर, S पॉइंट इंटीरियर। तो इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, जो भी उसके अंदर आ रहा है दैट इज इंटीरियर, दैट इज जिसके उसके एरिया में आ रहा है। फिर एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल, एक्सटीरियर में टी पॉइंट, यू पॉइंट, वी पॉइंट, ये सब एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल। ऑन द ट्राइंगल, ट्राइंगल के ऊपर कौन से पॉइंट है, जैसे ए वर्टेक्स, ए पॉइंट ऑन द ट्राइंगल, बी ऑन द ट्राइंगल, सी, ए बी साइड के ऊपर कोई भी पॉइंट आ जाए, बी सी साइड पर, ए सी साइड पर कोई भी पॉइंट आए, वी कॉल्ड देम ऑन द ट्राइंगल। ठीक है, अब ट्राइंगल की साइड्स, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, देखो साइड्स कौन सी हैं, ए बी, बी सी, ए सी, थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, वन ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा ए सी। ट्राइंगल को बहुत से ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। ये है ट्राइंगल का प्रेजेंटेशन, ट्राइंगल A, B, C। अगर यहाँ पर P, Q, R दिया है तो हम बोलेंगे ट्राइंगल P, Q, R। अगर S, T, M दिया है तो हम बोलेंगे ट्राइंगल S, T, M। दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल A, B, C, P, Q, R, S, T, M, D, E, F, कुछ भी तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स,
ट्राइंगल के थ्री एंगल, एंगल ए, या उसको हम दूसरे वे में बोल सकते हैं एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी, तीनों का मतलब है एंगल ए जो सेंटर में, या एंगल बी या एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए। देखो सभी में सेंटर में जो बी आ रहा है वो आपका एंगल काउंट होता है, या एंगल सी, एंगल बी सी ए या एंगल ए सी बी, सब में सेंटर में एंगल सी आ रहा है, एंगल सी। दीज आर थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, या आप उसको बी ए सी या ए बी सी या ए सी बी, कैसे भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब कॉर्नर पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल, कॉर्नर पॉइंट पर है, ए वर्टेक्स है, कॉर्नर पॉइंट एकदम एंड पॉइंट आ गया, बी या सी, दीज आर द थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल है, ए बी सी, क्लियर हो गया। दीज आर सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल थ्री एंगल के सम है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, दैट इज 180 degree। ऑलवेज आप थ्री एंगल जो होते हैं उनको ऐड करोगे, ऑलवेज यू आर गेटिंग 180 degree। इसको आप एक्टिविटी के थ्रू भी इसका वेरिफिकेशन होगा, कोई भी अगर दो एंगल पता है तो थर्ड ढूंढने के लिए आप उनको ऐड करके 180 से माइनस कर सकते हो। ये हुआ सम एंगल प्रॉपर्टी। अब आता है साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू, जैसे हमने बोला एंगल, एंगल ए के अपोजिट कौन सा साइड है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो इसके सामने पूरी साइड आ रहा है बी सी, तो वी कॉल इट बी सी साइड, तो ये आ गया बी सी। ऐसी एंगल बी के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है, एंगल बी अपोजिट इज ए सी, और एंगल सी के अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल सी, एंगल सी के सामने ए बी आ रहा है, तो साइड अपोजिट टू एंगल सी इज नथिंग बट ए बी। तो ये थ्री साइड्स आप वर्टेक्स के अपोजिट बोल सकते हो। ऐसे एंगल अपोजिट टू साइड्स, जैसे अभी आपने बोला मेरे को ए बी साइड के अपोजिट एंगल फाइंड करना, तो आपने पूरा देखे ए बी साइड ये रहा, इसके अपोजिट एंगल सी आ रहा है, तो आप लिखेंगे एंगल सी। ए सी साइड के अपोजिट, देखो ए सी साइड के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, ए सी साइड के अपोजिट एंगल बी आ रहा है, तो आपने लिखा एंगल बी। और बी सी साइड के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, बी सी साइड के सामने आ रहा है एंगल ए। So these are the side opposite to the given, these are the angle opposite to the given side. ऐसे vertex बोल सकते हैं, AB side के opposite कौन सा vertex आ रहा है, C, BC side के opposite vertex A, AC side के opposite vertex B. ये आपके simple question discuss किए जा सकते हैं, clear हो गया। अब है टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, जो टाइप ऑफ ट्राइंगल्स में सबसे पहले आपको पता है कि साइड्स आपकी तीनों इक्वल हो सकती हैं, अनइक्वल हो सकती हैं, या कोई दो साइड इक्वल हो,
तो अगर आपके तीनों साइड अनइक्वल है तो उसको कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन स्केलिन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड अनइक्वल, जैसे ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, अनइक्वल आ रहे, देखो सबकी लेंथ अलग अलग आ रही है, या कोई भी मेजरमेंट ऐसा नहीं, हमने बोला कि ये यही मेजरमेंट 3 जैसे ये आ रहा है 6 7 8 कुछ भी अनइक्वल साइड्स हैं, वी कॉल देम स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, सेकंड टाइप ऑल साइड्स आर अनइक्वल, दैट इज स्केलिन। फिर आइसोस्केलेस ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल हो, एक साइड भले अनइक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, आइसो मींस एनी टू साइड्स आर इक्वल। जैसे आपने यहाँ लिख लिया, सपोज ये दोनों 8 हैं, ये 6 आ गया, ये 6 6 8, यानी कोई भी दो साइड्स इक्वल हो, वी कॉल देम आइसोस्केलेस ट्राइंगल। क्लियर हो गया। तीसरा है ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल, सभी साइड की मेजरमेंट सेम है, सभी 6 6 सेंटीमीटर या सभी 8 8 सेंटीमीटर, सभी 10 10 सेंटीमीटर, यानी सभी साइड इक्वल हो, वी कॉल देम आइसो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, जितने इक्विलेटरल ट्राइंगल उसको तुम आइसोस्केलेस कह सकते हो क्योंकि दो साइड इक्वल है, उसको स्केल नहीं कह सकते, आइसोस्केलेस कह सकते। ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑलवेज आइसोस्केलेस ट्राइंगल। हाँ, इसमें एक खास प्रॉपर्टी है कि इसके सभी एंगल्स ऑलवेज 60 डिग्री होते हैं। तो ऑल एंगल्स मेजरमेंट इक्वल टू 60। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक खास प्रॉपर्टी कि सारे एंगल हमेशा 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में स्केलिन ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल को इनकी साइड को देख कर डिसाइड किया जाता है। साइड अगर सारी इक्वल हैं इक्विलेटरल, तो ऑटोमेटिकली सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं रेगुलर ट्राइंगल। रेगुलर, जैसे हम स्कूल में रेगुलर जा रहे तो हम बोलेंगे हम लोग रेगुलर हैं, तो उस ट्राइंगल अगर रेगुलर हो तो वी कॉल इट इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें दो साइड इक्वल हो उसको आइसोस्केलेस, जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं हो दैट इज स्केलिन ट्राइंगल। अब इसी तरह से टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें सभी एंगल एक्यूट है, ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट, वी कॉल देम एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यानी एक्यूट एंगल जिसमें, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था एंगल प्रॉपर्टी में, 0 90 के बीच में सभी एंगल आ रहे हैं, तो वी कॉल देम एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सेकेंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसमें एक एंगल, सिर्फ एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, जैसे एक एंगल 110 है तो बाकी दोनों एक्यूट होंगे, तो एक भी एंगल अगर 90 से ज़्यादा, वी कॉल इट ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और सारे एंगल अगर 90 से कम है और 0 से ज़्यादा, वी कॉल इट एक्यूट एंगल ट्राइंगल। लेकिन अगर एक एंगल ही ऑब्ट्यूज है, वी कॉल इट ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल अगर सिर्फ 90 डिग्री है, वी कॉल इट राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर हो गया। अगर एक एंगल राइट है और बाकी दोनों एक्यूट होंगे, लेकिन अगर एक राइट है
तो वी कॉल इट राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल में भी एक खास बात है, अगर राइट एंगल है ये दोनों एक्यूट होंगे, लेकिन अगर राइट एंगल है और ये दोनों 45-45 के हैं, 45-45 और ये दोनों साइड ऑटोमेटिकली इक्वल में होंगी, तो इसको कहेंगे राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्राइंगल। हाँ, एक ऑब्ट्यूज एंगल हुआ और बाकी कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं, वी कॉल इट ऑब्ट्यूज आइसोस्केलेस ट्राइंगल। क्लियर हो गया। थर्ड है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जो कि उनके एंगल को देख कर डिसाइड किए जाते हैं। समझ आ गया। अब इसमें है आपका मीडियन, मीडियन क्या होता है वो बता दें। जैसे ये ट्राइंगल आपने बनाया ए बी सी, ए वर्टेक्स के अपोजिट में बी सी साइड है, उसका आपने मिड पॉइंट ले लिया, सपोज डी इसका मिड पॉइंट है, आपने ए को मिड पॉइंट से ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ए डी, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन क्या है, मीडियन वर्टेक्स और उसके अपोजिट वाली साइड के मिड पॉइंट को जो भी लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती, दैट इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। जैसे आपने यहां देखा ए बी सी, बी के अपोजिट में सपोज ये मिड पॉइंट है ई, आपने बी ई को ज्वाइन किया तो ये आपका दूसरा मीडियन हो गया। ऐसे आपने एफ, ये मिड पॉइंट है, सी से एफ को ज्वाइन किया, मीडियन, ये मीडियन। तो दीज आर द थ्री, एक ट्राइंगल के अंदर थ्री मीडियंस पॉसिबल है। मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड तक, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, ये पूरे यहां से यहां तक की लेंथ को मीडियन। लेकिन अगर ये मिड पॉइंट नहीं हुआ तो इसको आप मीडियन नहीं कह सकते। ये मीडियन, ये मीडियन, ये थ्री मीडियंस आते हैं, ठीक है। हर ट्राइंगल के अंदर तीन मीडियंस होते हैं, देयर आर थ्री मीडियंस, थ्री मीडियंस, ओके। और जहां तीनों मीडियन मीट करते हैं वो कॉमन पॉइंट होता है, उस कॉमन पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड इज अ पॉइंट वेयर थ्री मीडियन इंटरसेक्ट इनसाइड द ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर जो पॉइंट है दैट इज सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड हर मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर, जैसे ए टू सेंट्रोइड को हमने जी से रिप्रेजेंट किया, तो ए जी रेशियो जी डी 2:1। ऐसे बी सी सेंट्रोइड बी जी और जी को डिवाइड करोगे हमेशा 2:1 आएगा। ऐसे सी जी से जी एफ तक का जो रेशियो है 2:1, तो सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये आज आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल्स में, आपने ट्राइंगल्स के बारे में समझा, ट्राइंगल क्या होता है, इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल क्या है, एक्सटीरियर क्या, ऑन द ट्राइंगल क्या है, एंगल समझे, टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, वर्टेक्स अपोजिट क्या है, एंगल अपोजिट क्या है, और क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, पैरामीटर क्या होता है, फिर उसके बाद आपने आज मीडियन का कंसेप्ट सीखा। अब नेक्स्ट टाइम इसी के मीडियन के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय बच्चों।